तो जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो स्वागत करता हूं मैं आपका मेरी YouTube चैनल आर्मी अपडेट पर। तो मैं आज आपके लिए लेकर आ चुका हूं इंडियन आर्मी एससी सेंटर वैकेंसी। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पर 458 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे कि ऐसी ही भर्ती की अपडेट आपको मिलती रहे। और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो आइए नोटिफिकेशन में आगे बढ़ते हैं। तो ये वैकेंसी निकाली गई है इंडियन आर्मी एससी सेंटर की तरफ से। वैकेंसी निकाली गई है 458 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो परमानेंट वैकेंसी निकाली गई है, और यहाँ पर पोस्ट नेम दे रखा है ग्रुप सी सिविल पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और यहाँ पर सैलरी दे रखी है, पोस्ट वाइज आपको सैलरी दी जाएगी। और यहाँ पर जॉब लोकेशन है ऑल ओवर इंडिया है। और यहाँ पर लास्ट डेट है आपकी जुलाई, 15 जुलाई आपकी लास्ट डेट है। और यहाँ पर जो फॉर्म है वो ऑफलाइन भरे जाएंगे। और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से जाकर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जून, 25 जून से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और यहाँ पर लास्ट डेट 15 जुलाई है। तो जल्दी से जाइए, आप अप्लाई कीजिए। ऑफलाइन वैकेंसी है, अभी एग्जाम डेट नहीं आई है। और यहाँ पर एज लिमिट दे रखी है 18 से 25 ईयर आपकी एज होनी चाहिए। और यहाँ पर ओबीसी एससी एसटी को छूट भी दी जाएगी। और यहाँ पर वैकेंसी दे रखी, और यहाँ पर कुक की वैकेंसी है, 16 वैकेंसी निकली गई है। और यहाँ पर सिविल कैटरिंग के लिए यहाँ पर 33 वैकेंसी निकली गई है। और एमटीएस के लिए यहाँ पर 128 वैकेंसी निकली गई है। और तीन स्मिथ के लिए यहाँ पर 1 वैकेंसी निकली गई है। ईबीआर के लिए यहाँ पर 2, बार्बर के लिए यहाँ पर 5 वैकेंसी निकली गई है। तो आप नोटिफिकेशन में जाकर देख लीजिए कितनी, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस देख ले, तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा आपका। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और लास्ट में आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और यहाँ पर जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और न्यू अमेरिकन एप्टीट्यूड के प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ पर जीके के और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसका पीडीएफ नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, और इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर भी आप देख सकते हैं। और ऐसी ही भर्ती के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।